झांसी में सहारा, पल्स आदि चिट फंड कंपनियों में फंसे हुए पैसे की वापसी को लेकर लोगों के द्वारा बड़ी उम्मीद के साथ फॉर्म जमा किया जा रहा है। तो वहीं दूर दराज से आने वाले लोग फॉर्म जमा न होने के चलते मायूस होकर लौट रहे हैं। देश के लाखों लोगों को ठग कर कई बड़ी कंपनी फरार हो गई। ऐसे में आज कई वर्ष बीत जाने के बाद लोग अपने पैसे की मांग को लेकर आए दिन मांग करते रहे। पैसे वापस कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। फॉर्म जमा करने आए लोगों ने बताया कि कार्यालय का समय मात्र 2 घंटे का है, जिसके चलते दूर दराज से आने वाले लोग अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाते। तो वहीं फॉर्म जमा हो जाने के बाद किसी प्रकार की रिसीविंग उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। फॉर्म जमा करने आए लोगों ने जिम्मेदारों से कार्यालय का समय बढ़ाए जाने और जमा हुए फॉर्म की रिसीविंग दिलाए जाने की मांग की है। कहाँ के रहने वाले हो? नगर पंचायत कटेरा। कटेरा, क्या समस्या लेकर आए हो आप? सहारा में पैसा फंसा, 8-10 साल हो गई मिलनी। अच्छा, तो आप मऊरानीपुर तहसील में आए हो? हाँ। यहाँ पे क्या हो रहा है तहसील में? तहसील में आवेदन जमा कर रहे हैं वापसी के लिए। अच्छा, तो क्या लगता है आपको मिल सकता है पैसा? अब देखो, आशा है कर रहे, जमा मिले ना मिले सरकार के ऊपर है। ठीक है, PSEL कंपनी में पैसा जमा किया था हम लोगों ने। अच्छा, और मेरा भी काफ़ी लोगों का पैसा जमा है। अच्छा, मेरा भी पैसा जमा है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जानकारी मिली है कि मऊरानीपुर में डॉक्यूमेंट जमा किए जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ आया था। अच्छा अच्छा, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्दी जल्दी वापसी हो। तो काय के लिए आए थे यहाँ तहसील? फॉर्म जमा करें। किस चीज़ का फॉर्म? पल्स में। पल्स में क्या पैसा फंसा हुआ आपका? हाँ सर। तो उसका आवेदन करना था। हाँ। तो क्या हुआ, आवेदन जमा हुआ नहीं हुआ? क्या कह रहे हैं? अभी मिले ही नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? सतन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मऊरानीपुर। किस लिए आए थे आप यहाँ पे? फॉर्म जमा करने आए थे पल्स। किस चीज़ का फॉर्म? पल्स का। पल्स का। तो आपको पैसा फंसा हुआ है पल्स में? हाँ। तो क्या हुआ, फॉर्म जमा नहीं हुआ है? फॉर्म जमा हुआ, 11 बजे की लाइन में लगी, भीड़ ज़्यादा थी, किसी के जमा नहीं हो पाया, किसी चाचा को हो पाया, ना इनका हो पाया, किसी को नहीं हो पाया। कितने बजे तक खुलता है? 12 से 2 लिखा। आप लोग क्या चाहते हो? टाइम बढ़ा जाए, 5-4 बजे तक हो जाए, टाइम 2 घंटे हो जाए। अच्छा अच्छा, 30-40 आदमी इनका फॉर्म जमा हो जाए, किसी के नहीं हो पाया जमा? किसी के नहीं हो पाया, 40-50 आदमी और बचे हैं। दादा क्या नाम है आपका? मनोज कुमार श्रीवास। कहाँ के रहने वाले हो? धमना पार्क। क्या समस्या लेके आए हो आज आप? सर यहाँ जेकी कंपनी के हमारे पैसा फंसा हुआ है, उसमें डॉक्यूमेंट जमा करने। आवेदन जमा, क्या आपका आवेदन जमा हो गया है? नहीं हो पाया सर, वो बंद है कार्यालय। कार्यालय क्यों बंद हो गया? समय शायद कम रखे हुए, 2 बजे तक खुलता है, इसके बाद बंद हो जाता है। तो आपका फॉर्म जमा नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। और जिन लोगों में फॉर्म जमा हुए उनको कोई क्या परेशानी है, कोई जानकारी? वो बता रहे हैं कि उपाय नहीं मिलती उसकी, जो मतलब आवेदन जमा कर लेते हैं, रिसीविंग नहीं देते हैं। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। शुद्धता की कसौटी पर एकदम खरा पांडे मिष्ठान भंडार, यह सिर्फ बरुआ सागर में नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। सन 1963 से आज तक विश्वास और स्वाद का दूसरा नाम है पांडे मिष्ठान भंडार। नाम सुनकर मुंह में आ जाए पानी, यही तो है पांडे जी के रसगुल्ले की निशानी। तो फिर देर क्यों भैया, आइए और नए वर्ष पर अपना मुंह मीठा कीजिए। पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड बरुआ सागर।